रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कहानी विद्रोही, कथावाचक निधि सहगल। लोग कहते हैं अंग्रेजी पढ़ना और भार झोंकना बराबर है। अंग्रेजी पढ़ने वालों की मिट्टी खराब है, अच्छे अच्छे एमए और बीए मारे मारे फिरते हैं, कोई उन्हें पूछता तक नहीं। मैं इन बातों के विरुद्ध हूँ। अंग्रेजी पढ़ लिख कर मैं डॉक्टर बना हूँ। अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी तनिक आंख खोलकर मेरी दशा देखें। सोमवार का दिन था, 9:15 बजे मेरे मित्र बाबू संतोष कुमार बीएससी एक नव युवक रोगी को साथ लिए मेरे दवाखाने में आए। उस रोगी की आयु 18-19 से अधिक ना थी। गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी आंखें, गठीला शरीर, कपड़े स्वदेशी किंतु मैले थे। सिर के बाल लंबे और रूखे। उस युवक को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। संतोष कुमार ने युवक का परिचय कराते हुए कहा, आप जिला नदिया के निवासी हैं, नाम ललित कृष्ण बोस है, किंतु ललित के नाम से प्रसिद्ध हैं। एमए में पढ़ते हैं, परंतु किसी कारणवश कॉलेज छोड़ दिया। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, आजकल आप क्या करते हैं? संतोष कुमार ने उत्तर दिया, 2 महीने पहले ये किरण प्रेस में प्रूफ रीडर के काम पर थे, परंतु इस काम में जी न लगने के कारण नौकरी छोड़ दी। परसों से ज्वर से पीड़ित हैं, कोई अच्छी औषधि दीजिए। आज से पहले भी मैंने इस युवक को कहीं देखा है, परंतु कहां देखा है और कब ये स्मरण नहीं। रोग की छानबीन के पश्चात मैंने ललित से कहा, मालूम होता है आप आवश्यकता से अधिक परिश्रम करते हैं। खैर कोई बात नहीं, 2 दिन में आराम हो जाएगा। ललित बहुत मधुर भाषी था, मैं उसकी बातों पर लट्टू हो गया। मैंने कहा, हर 3 घंटे के अंतर से दवा पीजिएगा, दूध और साबुदाने के सिवाय कोई और चीज खाने की आवश्यकता नहीं, कल फिर आने का कष्ट कीजिएगा। ललित हंसने लगा। जाते समय मैंने उससे कल अवश्य आने के लिए कहा, परंतु ललित ने शाम ही को आने का वचन दिया। ललित प्रतिदिन सुबह शाम मेरे यहाँ आने लगा। मैं उसके व्यवहार से बहुत प्रसन्न था, घंटों इधर उधर की बातें होती थी। ललित वास्तव में ललित था, वह मनुष्य नहीं देवता था। ललित अब मेरे घर पर ही रहने लगा। मेरा लड़का उमा शंकर 8वीं कक्षा में पढ़ता था। ललित ने कहा, मैं इसको बंगला सिखाऊंगा, बंगला बड़ी मधुर भाषा है। मैं स्वयं भी यही चाहता था। उमा शंकर ने बंगला पढ़ना शुरू कर दिया। ललित आज से उमा शंकर का अध्यापक हो गया। कलकत्ता जैसे बड़े नगर में यूं तो प्रत्येक त्योहार पर बड़ी रौनक होती है, किंतु दुर्गा पूजा के अवसर पर असाधारण धूमधाम और चहल पहल दिखाई देती है। दशहरा के दिन प्रायः सारे रास्तों पर जन समूह होता है। बड़े बूढ़ों में भी उस दिन एक विशेष हर्ष की भावना होती है। लड़कों और युवकों की तो चर्चा ही व्यर्थ है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी धुन में मस्त दिखाई देता है। जिस समय दुर्गा की सवारी सामने से आती है तो काली माई की जय के उच्च जय घोष से आकाश गूंज उठता है। हृदय में एक अनुपम आवेश उत्पन्न होता है। उस दिन दुर्गा पूजा थी, हम सब व्यक्ति भी शोभा देखने गए थे। ललित साथ था। पहले की अपेक्षा ललित में आज अधिक प्रदर्शन था। प्रत्येक स्थान पर वह देवी की मूर्ति को नमन करता, कभी उसके नेत्र लाल हो जाते और कभी उनमें आंसू उमड़ आते। मैंने देखा, कभी वह हर्षातिरेक से नाचने कूदने लगता और कभी सर्वथा मौन हक्का बक्का होकर इधर उधर देखता। मैंने बहुत प्रयत्न किया, परंतु उनकी इन चेष्टाओं को न समझ सका, उससे मालूम करने का साहस ना हुआ। हमारे पीछे एक गरीब बुढ़िया एक 8-9 साल के बच्चे को साथ लिए खंबे की आड़ में खड़ी थी। संभवतः अथाह जन समूह के कारण उसको किसी और जाने का साहस ना होता था। वह भिखारिन थी, गरीबी के कारण पेट पीठ से लग गया था। उसने अपना दाहिना हाथ भीख के लिए पसार रखा था।
बच्चा अनुनय विनय करते हुए कह रहा था, बाबा भूखे की सुध लेना, परमेश्वर तुम्हारा भला करेगा। किंतु संसार में गरीबों की कौन सुनता है? गरीब बुढ़िया की ओर किसी ने आंख उठाकर भी ना देखा। प्रत्येक मनुष्य अपनी प्रसन्नता में प्रसन्न था। बच्चे ने बुढ़िया से कहा, घंटों बीत गए परंतु अब तक 2 पैसे मिले हैं। सोचता था आज दुर्गा पूजा है, कुछ अधिक ही मिल जाएगा, किंतु खेद है कि चिल्लाते चिल्लाते गला बैठ गया, कोई सुनता ही नहीं। जी में आता है यही प्राण त्याग दूं, ये कहकर बच्चा रोने लगा। बुढ़िया की आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने कहा, बेटा अपना भाग्य ही खोटा है, कल सत्तू खाने के लिए 6 पैसे मिल गए थे, आज उसका भी सहारा दिखाई नहीं देता, आज भूखे पेट ही रहना होगा। हाय, ये हमारे पाप का फल है। बुढ़िया ने एक ठंडी उसवास ली और अपने फटे मैले आंचल से अपनी और बच्चे की आंखें पोंछी। बच्चा फिर उसी विनती से कहने लगा, बाबा भूखे की सुध लेना, परमेश्वर तुम्हारा भला करेगा। परंतु नक्कार खाने में तूती की आवाज कौन सुनता? इतना अधिक जनसमूह था किंतु इस विनती पर कोई कान देकर सुनने वाला ना था। ललित उस समय बुढ़िया की ओर देख रहा था। उसकी दुखित दशा देखकर उसका हृदय विकल हो गया। उसने अपनी जेब टटोली, उसमें फूटी कौड़ी भी नहीं थी। बहुत व्याकुल हुआ, उसने अपनी दूसरी जेब में हाथ डाला। कुछ आवश्यक कागजों के बीच में एक अठन्नी निकल आई। ललित की निराशा प्रसन्नता में परिवर्तित हो गई, मुखड़ा खिल गया। वह अठन्नी उसने बुढ़िया के हाथ पर रख दी। जिस प्रकार 10-5 रुपए लगाने वाले को लॉटरी में 10-20 हजार रुपए मिल जाने पर प्रसन्नता होती है, जिस प्रकार एक युवती नए आभूषण पहनकर प्रसन्न होती है, जिस प्रकार एक सूखे हुए खेत में वर्षा हो जाने से किसान हर्ष से फूला नहीं समाता, जिस प्रकार कोई नया कवि अपनी कविता को किसी पत्रिका में छपा हुआ देखकर प्रसन्न होता है, उससे कहीं अधिक उस गरीब बुढ़िया को अठन्नी पाकर प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो निर्निमेश ललित की ओर देखने लगी। उसका मग्न हृदय ललित को सहस्त्र आशीष दे रहा था। ये दशा देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने अनेकों बार उस बुढ़िया को देखा था, उससे मुझे सहानुभूति भी थी, किंतु कभी ये साहस ना हुआ कि उसकी सहायता करूं। कभी हृदय में आता कि उसको कुछ देना चाहिए, कभी ये कहता कि इसमें क्या रखा है, संसार में लाखों गरीब हैं, किस किस की सहायता करूंगा। ललित, जिसे कभी कभी भूखे तक रहना पड़ता, जिसको मैंने कभी एक पैसे का पान तक चबाते न देखा था और जो मेरी दृष्टि में बहुत कंजूस था, उसका ये दान देखकर मेरे आश्चर्य की सीमा न रही। स्वप्न में उस दिन मुझे ललित की बहुत सी विशेषताएं दिखाई दी। मालूम नहीं वे सत्य थी या असत्य, किंतु ज्योतिषी के हिसाब से उनको सत्य ही समझना चाहिए। इसका कारण ये है कि रात मुझे 2:30 बजे नींद आई और वह स्वप्न मैंने रात के अंतिम पहर में देखा था। ललित के सहयोग से उमा शंकर में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गए। कहां तो वह बिना मोटर के घर से बाहर ना निकलता था, पर अब यह दशा थी कि ललित के साथ वायु सेवन के लिए प्रतिदिन कोसों पैदल निकल जाता। सिनेमा देखने का चस्का जाता रहा। व्यक्तिगत विलास सामग्री और प्रदर्शन के व्यसन को भी तिलांजलि दे दी। अंग्रेजी शिक्षा से अब उसे घृणा हो गई। रविवार के दिन मेरे यहाँ कुछ मित्रों की गार्डन पार्टी थी। खूब आनंद रहा। मैं अपने मित्रों के सत्कार में लगा हुआ था। उधर उपेंद्र कुमार, गोपाल, उमा शंकर और ललित में चुपके चुपके बातें हो रही थी। ये लोग क्या बातें कर रहे थे ये बताना कठिन है, क्योंकि प्रथम तो पार्टी के झंझटों में उलझा हुआ था, उनकी ओर अधिक ध्यान ना था। दूसरे, वे मेरे से दूर थे और धीरे धीरे बातें कर रहे थे। बीच बीच में जब ये लोग खिलखिलाकर हंस पड़ते तो मुझे भी हंसी आ जाती।
गोपाल बाबू को मैं काफी समय से जानता हूँ। रिश्ते में ये संतोष कुमार के बहनोई होते हैं। प्रथम श्रेणी के शौकीन प्रेमी स्वभाव के हैं। आज देखा तो कलाई रिस्ट वॉच से खाली थी। रेशम की कमीज में से सोने के बटन गायब थे। होठों की लाली गायब, बाल भी फैशन के ना थे। मैंने संतोष कुमार से धीरे से कहा, आज तो भाई साहब का कुछ और ही रंग है। वो पहले से चटक मटक दिखाई नहीं देती। क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आता। संतोष कुमार ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आजकल इन पर स्वदेशी भूत सवार है। कई महीने से ये इसी रंग में रंगे हुए हैं। क्या आपने आज ही इन्हें इस वेश में देखा है? मैंने उत्तर दिया, हाँ, और इसलिए मुझे आश्चर्य भी हुआ। संतोष कुमार ने किसी सीमा तक उपेक्षा भाव से कहा, हमें क्या मतलब, जो जिसके जी में आए करे। बार बार समझाने पर भी यदि कोई ना सुने तो क्या किया जाए। अधिक कहने सुनने से अपनी प्रतिष्ठा पर आ जाती है। जैसी करनी वैसी भरनी प्रसिद्ध है। जब बंदी गृह में चक्की पीसनी पड़ेगी तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। मैंने कहा, संतोष कुमार, तुम बिल्कुल सत्य कहते हो। जमाने की हवा कुछ बदली हुई दिखाई देती है। ललित को भी कुछ स्वदेश की सनक है। यद्यपि मैं स्वदेशी का विरोधी हूँ और देशभक्त मुझे एक आंख नहीं भाते, तब भी मैं ललित की स्पष्टवादिता और सात्विकता पर मुग्ध हूँ। उसकी रुचि मुझे बहुत भाती है। संतोष कहने लगा, किंतु आपकी भांति उसकी धाक नहीं बन सकती। आप जब पाश्चात्य वस्त्र पहनकर बाहर निकलते होंगे तो अशिक्षित मनुष्य भय से कांप उठते होंगे और अशिक्षित व्यक्ति आपसे नमस्कार करके आकाश पर पहुंच जाते होंगे। मुझे हंसी आ गई। संतोष कुमार भी हंसने लगा। उस दिन रात को मैं अचेत सोया हुआ स्वप्न देख रहा था कि किसी ने मुझे झंझोड़ा। मैं चौंक गया। आंखें खोलकर देखता हूं तो मेरा नौकर रामलाल हाथ में लालटेन लिए खड़ा है। मुख पर हवाइयां उड़ रही हैं, शरीर थर थर कांप रहा है। मैंने घबरा कर मालूम किया, क्यों रामलाल, क्या बात है, तुम कांप क्यों रहे हो? रामलाल ने उत्तर दिया, बाबू, पुलिस ने सारा मकान घेर रखा है। कोई बात समझ में नहीं आती। मैं कोई चोर या बदमाश ना था, पुलिस का नाम सुनकर घबरा गया। दो एक बेईमानियां जो छिप कर की थी वे आंखों के सामने फिरने लगी। पूर्ण विश्वास हो गया कि पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आई है। पुलिस की हलचल सुनकर मेरी चेतना जाती रही। साहस करके नीचे आया। रामलाल बोला, आज्ञा हो तो दो चार हाथ दिखाकर पुलिस वालों को पृथ्वी पर लिटा दूं। मैंने कहा, सावधान, भूलकर भी ऐसा ना करना। पुलिस से बिगाड़ करना अच्छा नहीं होता। द्वार खोल दिया। दो तीन सार्जेंटों के साथ एक श्वेत वस्त्रधारी बंगाली और 8-10 सिपाही कमरे के अंदर घुस आए। बंगाली बाबू ने जेब से एक बादामी कागज निकालकर मुझे दिखाते हुए कहा, यह गिरफ्तारी का वारंट है। आपके यहाँ विद्रोहियों की गुप्त मंत्रणा का स्थान है। विद्रोही तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। मुझ पर बिजली सी टूट पड़ी। मैं समझा, संभवतः मैं ही विद्रोही हूँ और मेरी गिरफ्तारी का ही ये वारंट है। मुझको पुलिस गिरफ्तार करने आई है। आह, अब कुशल नहीं। यदि फांसी से बच रहा तो काला पानी अवश्य भेजा जाऊंगा। मैंने कप कपाते हुए कहा, विद्रोही, और वो भी मेरे मकान में? आप क्या कह रहे हैं, मैं सरकार का शुभाकांक्षी हूं। इसी वर्ष मुझे राय साहब की उपाधि मिली है। आपको भ्रम हुआ है। एक सार्जेंट ने त्योरी बदल कर कहा, हम काला आदमी नहीं है। गोरा आदमी कभी झूठ नहीं बोल सकता। बंगाली बाबू ने तनिक रुष्टता की मुद्रा में कहा, पुलिस का भ्रम नहीं हो सकता। भ्रम प्रायः डॉक्टरों को हुआ करता है। मैंने पूछा, विद्रोही का नाम क्या है? शरद कुमार। बंगाली है? हाँ। कहाँ का रहने वाला है? श्री रामपुर का।
मेरे सिर से जैसे विपत्ति सी टल गई। नाम सुनते ही होठों पर हंसी खेलने लगी। मैंने कहा, महाशय, इस नाम का कोई व्यक्ति मेरे घर में नहीं है। कोई और बंगाली आपके मकान में है? हाँ, सीधा साधा नवयुवक है जो उमा शंकर को बंगला भाषा पढ़ाता है। उस श्वेत वस्त्रधारी बंगाली ने कहा, हाँ, उसी की ही खोज है। उसका असली नाम शरद कुमार है। पुलिस महीनों से उसके पीछे परेशान है, हाथ ही ना आता था। मैंने आश्चर्य से कहा, वो तो जिला नदिया का रहने वाला है और आप कहते हैं कि अपराधी श्री रामपुर का निवासी है। सब उसकी चालें हैं, वह श्री रामपुर का निवासी है। उसके पिता का नाम हृदयनाथ है, जो एक प्रसिद्ध जमींदार हैं। मैंने फिर पूछा, उस पर क्या अपराध है? इंस्पेक्टर ने उत्तर दिया, विद्रोह। एक गुप्त संस्था से उसका संबंध है। बम बनाना, चोरी, डकैती, कत्ल, लूटमार, ये उनकी देश सेवा है। ये सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, आप महानुभाव, एक 17-18 वर्ष के बंगाली युवक को विद्रोही बना रहे हैं? ये भला कोई मानने की बात है? एक साधारण युवक की गिरफ्तारी के लिए इतने व्यक्ति? 4 सिपाही दरवाजे पर खड़े कर दिए गए। घर की तलाशी शुरू हुई। दालान, कोठरी, बैठक, रसोई घर, यहां तक कि दिशा मैदान तक के स्थान को ढूंढ डाला, किंतु ललित का कहीं पता ना था। अलबत्ता उसके कमरे में एक कागज का टुकड़ा मिला। पढ़कर सब आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उसमें लिखा हुआ था, इंस्पेक्टर साहब नमस्ते, मैं फिर भाग रहा हूं। आपके पुलिस वाले समझ गए होंगे कि मैं कितना भयानक व्यक्ति हूं। जरा बचते रहिएगा। भारत माता का तुच्छ सेवक, शरद। बंगाली बाबू ने अपने माथे पर हाथ मारकर कहा, बना बनाया खेल बिगड़ गया। कमबख्त ने चकमा दे दिया। महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया। पुलिस निराश होकर वापस चली गई। हम सब भी उमा शंकर के साथ ललित के लिए आंसू बहाने लगे। ललित से हम सबको बहुत अधिक प्रेम था। उसका ये काम देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। महाशय, मैं वही डॉक्टर हूँ। मेरी डॉक्टरी बहुत चमक गई है। उमा शंकर मैट्रिक पास कर चुका है। उसकी दशा दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है। ये वही उमा शंकर है जो अपने हाथों ग्लास में पानी भी नहीं डालता था। आज वही गरीबों की सेवा के लिए हर समय उद्यत रहता है। ललित के पश्चात स्वयं सेवक का जीता जागता चित्र मुझे उमा शंकर में ही दिखाई दिया। एक दिन बैठे बैठे ललित का ध्यान आ गया। आंखों में आंसू भर आए। उसकी स्मृति से पुराना प्रेम ताजा हो गया। इसी बीच उमा शंकर ने कमरे में प्रवेश किया। उसके हाथ में एक अंग्रेजी का अखबार था। मुंह लाल हो रहा था, आंखें डबडबा रही थी। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, ललित को आजीवन देश निकाले का दंड दिया गया है। वह कातिल नहीं था, वह देश का सच्चा सेवक, स्वतंत्रता का पुजारी, सहृदय और सबसे प्रेम का बर्ताव करने वाला मनुष्य था। ललित का उद्देश्य कत्ल या लूटमार करना रहा हो या विद्रोह, इसके विषय में मैं कुछ नहीं जानता। मैं उसके स्पष्टवादी स्वभाव और उसकी सादगी का कायल हूं। मुझे उस पर पूर्ण विश्वास था। उमा शंकर के शब्द सुनकर मेरा हृदय दहल गया। उमा शंकर रोने लगा। मैं भी अधिक न सहन कर सका। मैंने अपने आंसू पोंछे। इसके पश्चात मैंने कहा, उमा शंकर, ललित को देखने के लिए हृदय विकल है, वह कब तक वापस आएगा? उमा शंकर ने इसका कोई उत्तर ना दिया। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसकी यह दशा देखकर मुझसे भी सहन ना हो सका। दशा भिन्न हो गई, हृदय के टुकड़े टुकड़े हो गए। चिंता और क्रोध तिलमिलाने और छटपटाने लगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी की कहानी विद्रोही। कथावाचक निधि सहगल।